among all kind of killers, time is ultimate because time kills everything. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो श्री हरि विष्णु भगवान की नगरी है वैकुंठ लोक, एक ऐसा लोक जहां पर गई हुई आत्मा मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है और उसे इस भूलोक पर दोबारा आने की आवश्यकता नहीं होती। उसे हम बोलते हैं श्री हरि विष्णु भगवान का वैकुंठ लोक। देखिए, हिंदुइज्म में हर चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा हिंदुइज्म में कि अभी कौन सा युग चल रहा है, अभी विक्रमी संवत साका एरा का कौन सा सन चल रहा है, हर चीज को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया गया है। बट आज के वक्त में ऐसा हुआ है कि वेस्टर्नाइजेशन ने चीजों को इतना ज्यादा अपने कब्जे में ले लिया है कि बाकी धर्म छुपते जा रहे हैं उनकी नॉलेज। बट अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे दोबारा लोग इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, अपने धर्मों को समझ रहे हैं। तो उसी में से आज हम एक टॉपिक लाए हैं, वैकुंठ लोक, जो श्री हरि विष्णु भगवान की नगरी है जहां पे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और माना जाता है कि हर आत्मा का जो अंतिम चरण है वो वहीं का है, वहां पे गई हुई आत्मा भूलोक पर वापस नहीं आएगी। चलिए हम इसके बारे में समझते हैं कि ये कैसा है। बेसिकली जो हमें वैकुंठ की जानकारी है वो श्रीमद् भगवत पुराण और विष्णु पुराण में बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। उसमें पूरा एक चैप्टर और काफी सारे वर्सेस आपको मिलेंगे जिसमें बताया गया है कि ये मेरी नगरी है, जिसमें श्री विष्णु भगवान कहते हैं ये मेरी नगरी है, ये मेरे मन के अधीन है, मेरे हिसाब से चलेगी और यहाँ पे रहने वाले लोगों की आयु भी एक सीमित तक ही रहती है, उनकी आयु ज्यादा नहीं बढ़ती। एक तरीके के हम कह सकते हैं कि वो अमर हो जाते हैं। वहां का समय भी भगवान के हिसाब से ही चलता है। जैसे हमारा जो समय है ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में ये आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आप प्रेजेंट को देखेंगे ये आगे की तरफ है, ये वापसी नहीं लेके जा सकता मैं इसे, बट वहां का जो समय है वो भगवान के अधीन है क्योंकि वो सभी के पूरे यूनिवर्स के पूरे मल्टीवर्स को चलाने वाले श्री हरि विष्णु भगवान है, तो उनके हिसाब से वो पूरा एरिया चलता है और उन्हीं के मन के अकॉर्डिंग वहां का समय भी चलता है। तो इसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है। थोड़ा वैकुंठ लोक के बारे में हम जानते हैं। इसको ऑल्सो नोन एज विष्णु लोक और त्रिनुत इन तमिल। इस जगह पर कोई भी टाइम नहीं है, जैसे आप समय का अभाव देखते हैं, जैसे कई जगह पर आपको पढ़ने का मिलेगा कि हम थ्री डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं और अगर हम इसको समय को जोड़ दे तो फोर्थ डायमेंशन भी हो सकता है, बट अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं। तो वी ह्यूमंस लिव इनटू द थ्री डायमेंशन, बट यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं है। दिस प्लेस इज एक्सट्रीमली रिच, यहाँ की कैपिटल भी है जिसको बोला जाता है साकेत नगरी, एंड यहाँ पे सेंटर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है, वो बैठे हैं और शेषनाग पर बैठे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है अगर आप उसको इमेजिन कर सके तो। वहां पे एक नदी भी है जिसका नाम विराजा रिवर है। जय विजय, जय विजय कौन है? जय विजय श्री हरि विष्णु भगवान के, पुरुषोत्तम भगवान के द्वारपाल हैं। जैसे आप बद्रीनाथ भी अगर कभी जाएंगे या फिर आप किसी विष्णु मंदिर में जाते हैं, आपको द्वारपाल पे दो द्वारपाल आपको दिख जाएंगे विष्णु मंदिर के बाहर, वो कौन होते हैं? वो जय विजय ही होते हैं। उसके बाद इट इज लोकेटेड टूवर्ड्स द पोल स्टार उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन। अभी यही हमें अब मेन समझना है कि ये डिस्टेंस कितना है, थोड़ा हम समझते हैं इसको अच्छे से साइंटिफिकली। देखिए, अब कहते हैं कि पृथ्वी लोक से जब हम आसमान आकाश की तरफ देखेंगे तो पोल स्टार ध्रुव तारे की तरफ जो है वैकुंठ लोक का रास्ता है। ध्रुव तारे से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें महरलोक मिलता है, महरलोक के बाद जनलोक, जनलोक के बाद तपलोक। तप अलग अलग लोकों का अलग अलग वैल्यू है। जैसे तपलोक में हम कह सकते हैं जिन्होंने बहुत तपस्या की है, जनलोक में वो भी आत्माएं रहती है जिन्होंने बहुत आज तक पूजा पाठ किया है या फिर जो लिबरेट हो चुकी है, और एक ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक किसका है? ब्रह्मा जो हमारे गॉड है, सुप्रीम गॉड है, जो क्रिएटर है, उनका है। और उसके बाद आता है वैकुंठ लोक जो श्री हरि विष्णु भगवान का है। कहते हैं वैकुंठ के बाद भी कुछ लोक हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, बट हम वैकुंठ लोक तक की बात कर रहे हैं जो आखिरी लोक माना जाता है जो विष्णु भगवान का है। अब ये जो पूरा डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ टू वैकुंठ लोक, ये काफी बड़ी कैलकुलेशन है जिसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है कि हाउ मच इट इज फ्रॉम हियर टू द वैकुंठ। 4 quadrillion, 104 trillion, 3 billion, 150 million, 78,444 kilometers. ये एक एक्चुअल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने पे मिलता है फ्रॉम अर्थ टू वैकुंठ। तो आज के समय में तो मेरे ख्याल से ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है
कि हमारे पास कोई जेट फाइटर हो या फिर कुछ हो कि हम उससे उड़ें और जाएं, हम डायरेक्टली पहुंच जाएं टू द वैकुंठ। तो ये बात जानने वाली है। पर देखिए, वैकुंठ में जाने के लिए टेक्नोलॉजी की नहीं, मन को नियंत्रण करने की जरूरत है। हमें जो विष्णु भगवान ने, जो धर्म ने जो हमें सिखाया है, धर्म और कर्म को करने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली ये देखा गया है कि वहां पर बॉडी नहीं पहुंचेगी, सोल पहुंचेगी, लिबरेट हो जाएगी वो सोल और मोक्ष को प्राप्ति करेगी। तो ये डिस्टेंस हमने समझ में आया। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने क्या समझा है कि वैकुंठ लोक क्या है और श्री हरि विष्णु भगवान का वो लोक है और वहां पे हमें क्या क्या मिलता है। बहुत कहते हैं रिच जगह है, बहुत सुंदर है वहां पे। कोई भी जो मान लीजिए कोई पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, फ्लावर्स हैं, ये कभी भी नहीं मुरझाते। वहां पे एक दूधियाई कलर का, एक मिल्की कलर का एक आकाश है कहा जाए तो, और एक बहुत डार्क लाइट है जो सब कुछ वहां पे विष्णु भगवान की मर्जी से ही चल रहा है। सो शायद से जो मैंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर कहेंगे तो और लोकों के ऊपर और इसके अंदर मैं डिटेल इकट्ठा करके आपको पूरा समझाऊंगा, क्योंकि मैंने जितना भगवत पुराण पढ़ा है, विष्णु पुराण पढ़ा है, उसमें मुझे जो ज्ञान मिला, अब मैं कोई रेगुलर रीडर तो हूं नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने आज तक एक आधी बार ही इनको पढ़ा है, तो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला तो मैंने आपसे शेयर किया। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, मी लॉर्ड विष्णु कीप His blessings on you.